गुड मॉर्निंग गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोगों का लास्ट का थोड़ा बहुत जो टॉपिक है वो हम लोगों का बच गया था, लेक्चर हुआ हम लोगों का उसमें। सो वही करेंगे। यूनिट 5, SPM यूनिट 5 लास्ट चैप्टर, और उसका थोड़ा सा पार्ट हम लोगों का बाकी। हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। सो ओके सो आज का जो हम लोग का टॉपिक प्रोसेस क्वालिटी, दिस इज आवर टॉपिक। सो उसमें अगर आप फर्स्ट देखेंगे आपको क्या बता रहा है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी, ये दो अलग होगा। प्रोसेस मतलब आपको अगर कोई एक स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे आप एक SDLC फॉलो करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, तो जो सॉफ्टवेयर है वो आपका प्रोडक्ट हो गया और जो प्रोसेस है वो आपका SDLC प्रोसेस हो गया। एक प्रोसेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, देन उसके अंदर अलग अलग टाइप के डिजाइनिंग, अलग अलग टाइप के टेस्टिंग, ये जो है ये आपका प्रोसेस हो गया। तो एक प्रॉपर प्रोसेस, एक बेटर प्रोसेस फॉलो करके हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू से। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आप अपना SDLC का क्वालिटी जितना बेटर रखेंगे उतना आपका प्रोडक्ट बेटर बनेगा। और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एज यू कैन सी हियर, प्रोसेस इज द प्रिंसिपल क्वालिटी डिटर्मिनेंट। मतलब आपने कितना प्रॉपरली वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो किया है, और आप बोलोगे कि आपने किया है और कोई मान लेगा, ये जरूरी। हम लोग जब ऐसे कोई प्रोसेस स्टेप्स फॉलो करते हैं, ISO के सर्टिफिकेशंस रहते हैं, उनके एक टेम्पलेट्स रहते हैं, टेम्पलेट्स आपको फॉलो करने रहते हैं। तो आप कौन सा वो SDLC में कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, ये सारे प्रोसेस के लिए अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे हम लोग के पास ISO का 9001:2000 ये आपका सर्टिफिकेशन है। सो ISO 9001 जो है ये अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या बता रहा है, वन ऑफ द फैमिली ऑफ अ स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा जो बताएगा कि ओके रिक्वायरमेंट गैदरिंग कितने फेजेस या कितने स्टेप्स में होने चाहिए। देन उसके बाद में वहाँ पे बताएगा कि अगर फिजिबिलिटी स्टडी अगर आपको करना है तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपका फिजिबिलिटी स्टडी क्या होना चाहिए, क्या लेवल तक का रिजल्ट आएगा, तो ही हम लोग कंसिडर करेंगे कि आपका फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, क्या लेवल तक का डिजाइनिंग आना चाहिए, कैसा डिजाइनिंग आना चाहिए, कभी हम लोग स्टॉप करेंगे, कभी हम लोग उसके बाद वाले फेज पे जाएंगे, ये सब यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या बोला है, कैन बी अप्लाइड टू क्रिएशन ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, नॉट जस्ट IT एंड सॉफ्टवेयर, डज नॉट सेट यूनिवर्सल प्रोडक्ट और सर्विस स्टैंडर्ड, रिमेंबर दिस। सो एज वी नो, कंपनी टू कंपनी वो अपने अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, कंट्री टू कंट्री भी अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। बहुत सारे प्लेसेस पे आपको पता चलेगा कि हम लोग रेडीमेड फ्रेमवर्क यूज करते हैं, तो वो जो रेडीमेड फ्रेमवर्क यूज करते हैं ना, वो भी बेसिकली आपको हेल्प करता है एक बेटर प्रोसेस डेवलप करने के लिए, जिससे एक आपका फाइनल जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो काफी बेटर रहेगा विथ लेस एरर्स। ओके सो ये पॉइंट्स है। आई होप माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। हेलो, यस सर, क्लियर है सर। ओके ठीक है। सो देखो यहाँ पे ISO 9001 जो है उसके प्रिंसिपल्स के रिक्वायरमेंट प्रॉपर समझो, फर्स्ट तो ये हो गया। लीडरशिप यूनिटी ऑफ अ पर्पस एंड डायरेक्शन टू अचीव द क्वालिटी, मतलब आपको क्लियर आप कहाँ तक जाएंगे, क्या एग्जैक्टली डेवलप करेंगे, आप जो मॉड्यूल या यूनिट डेवलप कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली कितने फंक्शंस आपको डेवलप करना है और कब जाके आपको स्टॉप करना है, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। ओके ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग बनाते जा रहे कभी एंड होना है, ये हम लोग को नहीं पता है। अगर ये नहीं पता रहेगा सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ एट ऑल लेवल्स। सो जो भी हम लोग के अलग अलग स्टाफ है वो अलग अलग लेवल्स पे आएंगे, ऑफकोर्स ये तो हम लोग को पता ही है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टाफ अलग रहेगा, फिजिबिलिटी वाला अलग रहेगा, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो जो डिजाइनिंग स्टाफ है वो अलग अलग रहेंगे, डिजाइनर्स रहेंगे, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा उसमें
फोकस ऑन इंडिविजुअल विच क्रिएट इंटरमीडिएट और डिलीवरेबल प्रोडक्ट और एंड सर्विसेज। तो जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी, अब स्टार्टिंग में फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वायर्ड रहेगा, थ्रू आउट प्रोजेक्ट अभी वो फिजिबिलिटी स्टडी नहीं कर रहे, तो क्या हो गया, वो इंटरमीडिएट हो गया। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में एक फिजिबिलिटी स्टडी फॉलो हो रहा है, बराबर है, और उसके बेस के ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे कि ओके आपको आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है। तो ये जो पर्सन रहेंगे वो भी आपके प्रॉपर स्टाफ है, जो वो स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट पे पहले भी वर्क कर चुके हैं, वो उस पर फोकस रहेगा। एंड वही आपको दिया है फोकस ऑन इंटर रिलेशन ऑफ अ प्रोसेस, मतलब एक आप जो पार्ट बना रहे हैं दूसरा पार्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए आप जो कंटिन्यूस एक जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट मॉड्यूल या फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट, अब बहुत बड़ा जब सॉफ्टवेयर रहता है तो इट टेक्स समटाइम्स 1-2 ईयर्स एज वेल, तो इट माइट पॉसिबल स्टार्टिंग में हम लोगों ने सपोज कि एक बहुत बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एग्जाम डिपार्टमेंट, ये सब के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपका जो वो मॉड्यूल बनेंगे वो सॉफ्टवेयर के, इट टेक्स 6 मंथ्स। सो बहुत बार क्या होता है कि जब ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर्स पे हम लोग काम करते हैं तो स्टार्टिंग के जो एक सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया तो वो टाइम पे हम लोगों ने अलग प्रोसेस फॉलो किया, और एग्जाम डिपार्टमेंट के लिए हम लोगों ने एक अलग प्रोसेस फॉलो किया, तो वो क्या हो गया, दो अलग पॉइंट्स हो गए, मतलब आपने प्रोसेस ही पूरा चेंज कर दिया। सो दैट शुड नॉट हैपन, ओके, और कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट चलना चाहिए, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होगा कि हम लोग जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाते जाएंगे उतना हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने प्रीवियसली क्या मिस्टेक्स किए थे, सेम मिस्टेक्स जो है वो फॉलो नहीं होने चाहिए, बराबर है। और अगर आपने वो सिमिलर टाइप का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उसमें और नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे हम लोग उसको भी और अपडेट करते जाएंगे, ओके, ठीक है। एनी डाउट टिल नाउ? उसके आगे क्या बोला है, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्चुअल एविडेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशन विद द सप्लायर, ये तो ऑफकोर्स पता ही है हम लोग को, वो सप्लायर क्या आपको देगा, वो कितने लेवल कितने टाइम तक देगा, क्या प्राइस पे देगा, और आप उसको छोड़ के और क्या आप बनाने वाले हैं, तो ये म्यूचुअल एक होना चाहिए रिलेशन, आपको भी बेनिफिट होगा सप्लायर को भी बेनिफिट मिलेगा। सो ये एक पॉइंट होता है। ISO 9001 का अगर आप देखेंगे ये डायग्राम है, एग्जाम के लिए ये डायग्राम आपको बनाना है, ओके, ध्यान से देख लो, और इसके जो स्टेप्स है वो नीचे आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट, बराबर है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कि ओके ये लेवल तक का तो मिनिमम सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, इतना हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, ये वाले अभी हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है और हम लोगों के बजट और टाइम में नहीं बैठ रहा है तो उसको फिलहाल छोड़ दो। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या बताएगा कि कितने लेवल तक का सॉफ्टवेयर या फंक्शंस हम लोग एग्जैक्टली अभी बना सकते हैं, कितना कौन से फंक्शंस या मॉड्यूल्स जो है हम लोग अभी नहीं बना सकते बिकॉज हम लोग के पास ज़्यादा टाइम या बजट नहीं है, जिसको हम लोग नेक्स्ट अपडेट में ऐड करेंगे। देन क्वालिटी लेवल उसमें क्या रहेगा, अब क्वालिटी लेवल कितना इम्प्रूव होगा, कितना बेटर हम लोग को उस पर काम करना पड़ेगा, ये ऑफकोर्स सर्टन पॉइंट से पता चलेगा। लाइक फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, ह्यूमन डिपेंडेंस जितना बढ़ेगा उतना क्वालिटी लेवल जो है वो आपका और बेटर बनेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डिज़ाइन प्रोडक्ट है, डिज़ाइन प्रोडक्शन एंड क्वालिटी प्रोसेस, तो आपके डिज़ाइन जितने प्रॉपर रहेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्गोरिदम्स, क्लास डिज़ाइंस, डीएफटी डिज़ाइंस, तो वो जितने प्रॉपर रहेंगे उतना आपका इंटरनल आर्किटेक्चर डेटाबेस डिज़ाइन जितने प्रॉपर रहेंगे उतना आपका डेटाबेस आर्किटेक्चर प्रॉपर बनेगा और वो आपके फ्रंट एंड से बेटर काम कर पाएगा, बराबर है। तो ये जितना बैकएंड जितना प्रॉपर चलेगा उतना फ्रंट एंड प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाएगा। बहुत बार फ्रंट एंड आपका एरर जनरेट नहीं करता है लेकिन डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है वो मेन एरर जनरेट करता है, डेटा ऐड होता है तो डिलीट नहीं होता है, डिलीट होता है मॉडिफाई नहीं होता है, मॉडिफाई हो रहा है तो और कोई काम वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, बराबर है। तो ये हम लोगों के सर्टन प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो इसके लिए अगर आपने प्रॉपर डिज़ाइन फॉलो किया है तो कौन से मॉड्यूल कब किसके साथ कनेक्ट होंगे, हम लोग जो क्रिटिकल पाथ की बात कर रहे थे वो आपको इजीली पता चलेगा कि कौन से मॉड्यूल के बाद में कौन सा दूसरा मॉड्यूल हम लोगों को स्टार्ट करना है, कौन सा मॉड्यूल जब तक कंप्लीट नहीं होता है तो उसके आगे के हम लोग अपने प्रोजेक्ट के पार्ट चालू नहीं कर सकते, वो सब आएगा। तो एज यू कैन सी प्रोसेस इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस चलते रहेगा, प्रोसेस इंप्रूवमेंट मतलब टेस्टिंग करो और टेस्टिंग के बाद में अगर वापस आपको कहीं पे कोई एरर या बग मिलता है उसको फिक्स करो। बिल्ड का मतलब ऑफकोर्स बहुत सिंपल है, कोडिंग आएगा। क्वालिटी कंट्रोल, आपने कंटिन्यूस उसको टेस्ट कर रहे हो
उसके बाद अगर वापस आपको कहीं पे लगता है कि अभी भी इसका रिस्पॉन्स टाइम बेटर नहीं है या और इसमें हम लोग को कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, तो वो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे। उसी का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ISO 9001 रिक्वायरमेंट क्या बोले, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, क्वालिटी सिस्टम जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, डिज़ाइंस आपने कितने लेवल तक प्रॉपर बनाए हैं वो हम लोगों को देखना है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, आप अगर थर्ड पार्टी से मतलब कोई दूसरे सप्लायर से आप अपने प्रोजेक्ट के सर्टन पार्ट्स अगर परचेस कर रहे हैं तो उसका भी क्वालिटी प्रॉपर होना चाहिए, बराबर है। थर्ड पार्टी, जैसे मैंने बोला कि एक कोई प्रोजेक्ट में सारे सब कुछ मैं नहीं बना सकता, तो मैं क्या करूँगा, एक थर्ड पार्टी को पकड़ूंगा जो वो स्पेसिफिक टास्क में एक्सपर्ट है और उनके पास से वो मेरा प्रोजेक्ट का वो एक पार्ट उनके पास से ले लूँगा। लाइक वेबसाइट मैं बना रहा हूँ, मोबाइल ऐप कोई दूसरा बना रहा है, तो वो मैं वहाँ पे भी देखूंगा कि उनका भी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल ऐप। देन वही आएगा बाकी के पॉइंट्स। तो ये सब जगह पे हम लोग क्वालिटी देखते हैं। अब क्वालिटी की ज़रूरत क्या है, अब याद रखो ये जो ISO 9001 के रिक्वायरमेंट्स है, ये जो अलग से मैंने ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है, इसके ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है और एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो दिस आर योर फॉलो पॉइंट्स, आप डायरेक्टली ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं तुक्का लग ही जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ आपको एक दो मार्क भी ना मिले, अगर ऐसा कुछ लिखेंगे तो एटलीस्ट दो तीन मार्क तो आपको मिल ही जाएगा, बिकॉज ये एक समरी टाइप हो गया, ये समझ लो आपके चैप्टर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, ये पॉइंट्स ऐसे लिखना और नीचे फिर अपने जो भी आपको कचरा भरना है वो भर देना, ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्या बोला है, नीड टू इम्प्रूव। नीड टू इम्प्रूव में क्या बोला है, कैन एवरीथिंग बी इम्प्रूव्ड एट वन, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, प्रायोरिटी लिस्टिंग डालेंगे, जो बहुत ज़्यादा काम का है, यूजर्स जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें सबसे पहले उसको हम लोग इम्प्रूव करना चालू करेंगे, वो इम्प्रूवमेंट होने के बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट फैक्टर्स पे जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर्स कौन से रहेंगे वो समझते हैं अभी। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या रहेगा कि सपोज अभी अभी जिसके ऊपर मेरा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले तो उस पर काम करो, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले फेज पे काम करो जिसपे मेरा डिपेंडेंस और थोड़ा कम है, उसके बाद और उस पर का आओ जिसपे मेरा डिपेंडेंस और थोड़ा कम है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होगा। देन नेक्स्ट क्या बोले, पुअर कंपनीज आर पुअर एट चेंजिंग। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, लेकिन जो स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने इम्प्रूवमेंट्स के लिए और उसके लिए जो आपको आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड है वो आर्किटेक्चर आपके पास नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है कि जो कंपनी ने मुश्किल से आपके लिए जो सिस्टम बनाना था वही बहुत मुश्किल से बनाया, तो अभी अगर आप सोचेंगे कि वो आपके लिए इम्प्रूव कर पाए कुछ चीज़ों को तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ओके। तो वो टाइम पे वहाँ पे आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर ईजिली इम्प्रूव होगा ये ज़रूरी नहीं है। आप ही देख लो कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक सॉफ्टवेयर जो टी वाई में सबमिट करना होगा ना वो मुश्किल से बनेगा। अब उसमें अगर मैं बोलूँगा कि भाई अभी इसमें क्वालिटी इम्प्रूव करो, एक तो पहले ही मुश्किल से बना है, बराबर है, और उसमें अगर और क्वालिटी इम्प्रूव करने की बात करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। सो दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू डिफाइन हियर, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, इम्प्रूवमेंट टेक्स अप टाइम एंड मनी, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना इम्प्रूवमेंट्स बढ़ते जाएगा उतना क्या होगा, उतना ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट होते जाएगा उसमें, और जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा उतना आपको ज़्यादा लोगों को वहाँ पे रखना पड़ेगा वो काम करने के लिए, ये होगा। देन कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या बता रहा है, क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी, मतलब धीरे धीरे सपोज अभी मैंने स्टार्टिंग में जब सॉफ्टवेयर बनाया था तो वहाँ पे सिर्फ 1000 लोग काम कर रहे थे, धीरे धीरे अब उस पर 2000 लोग काम करेंगे, 4000 5000 लोग काम करेंगे, तो क्या हो रहा है उसके ऊपर लोड बढ़ रहा है, बराबर है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, जो नंबर ऑफ डेटा उसको प्रोसेस करना है वो बढ़ते जा रहा है। तो वो जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको अपना सॉफ्टवेयर को भी और मच्योर बनाते जाना पड़ेगा, कि स्टार्टिंग में जब नया नया सॉफ्टवेयर बना था वो टाइम पे जो छोटे मोटे एरर्स आ रहे थे वो सेम अभी कंटिन्यू नहीं होने चाहिए, है ना, वो और बेटर बनना चाहिए। सो वो ये अब यहाँ पे ये कंपनी है और US गवर्नमेंट जो है बेसिकली ये गवर्नमेंट एंड मिलिट्री पर्पस के लिए स्टार्टिंग में यूज़ होता था और उसको फिर अभी हम लोगों ने मिरर कर लिया है ऑन आर करंट सिनारियोज एज वेल, जहाँ पे अभी हम लोग काम करते हैं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोला, रैशनल क्या है, इंक्लूड लाइकली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस एज अ फैक्टर इन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स। अभी यहाँ पे क्या बोला है, मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, एक बंदा है जो जिसने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे डाले
तो क्वेश्चनेयर्स आएंगे सबसे पहले एंड इंटरव्यूज आएंगे। सो क्वेश्चनेयर्स मतलब ऑफ कोर्स आपको पता रहेगा, एक गूगल फॉर्म रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके चार पांच ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसको आपको टिक मार्क करना है। तो उसके बाद उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने आपके पास से वो क्वेश्चंस ले लिए, तो वो जो क्वेश्चंस लिए उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके आपने जो भी प्रोसेस फॉलो किया है वो कितना बेटर है, कितना बेटर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो काम चलेगा। तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल टू में हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट वर्जन हैव बीन डेवलप्ड फॉर डिफरेंट एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो विंडोज यूज़ करेंगे उसके लिए आपका जो सॉफ्टवेयर एक बनेगा वो अलग बनेगा, मैक के लिए अलग बनेगा, या फिर वी कैन से कि एक मोबाइल ऐप बनेगा, एक वेबसाइट बनेगा, तो वो क्या हो गया, डिफरेंट वर्जन हो गया ना। एक ही मेरा वेबसाइट, एक ही मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसके मोबाइल वर्जन बन गया, एक लैपटॉप या कंप्यूटर वर्जन बन गया, तो वो टाइम पे उनके भी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी प्रोसेस जो है वो डिफरेंट चलेंगे एज कम्पेयर टू आर वेबसाइट्स। ओके, न्यू वर्जन्स हमेशा हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे कि जहाँ पे हम लोग और डिफरेंट एनवायरनमेंट पे उसको टेस्ट करते जाए, डिफरेंट एनवायरनमेंट मतलब एम्बेडेड डिवाइसेस के साथ में, जैसे अभी आगे आज के कोई स्मार्ट टीवीज है, स्मार्ट वॉचेज है, उसके साथ भी वो कनेक्ट हो पाए, तो ये हम लोग के न्यू वर्जन्स अपडेट होंगे उसमें। ओके, देन कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल कैन बी यूज्ड इन टू वेज। कैपेबिलिटी को आप और इवेल्युएट करते जाओ, मतलब चेक करते जाओ कंटिन्यूसली कि हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वर्क कर रहा है या नहीं। एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट, तो ये कंटिन्यूसली चलेगा, असेस करना मतलब कि आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे कि वो कैसे बेटर काम कर रहा है। स्टार्टिंग में अगर कोई प्रोसेस स्लो चल रहा था, या अगर अभी नंबर ऑफ क्लिक्स जो है वो यूज़र के 10 जा रहे हैं, उसको मैं डिक्रीज करके 2 क्लिक्स पे लेके आता हूँ, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट हो गया, कि कहीं कहीं पे एक छोटे से काम के लिए भी यूज़र को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। ओके, ये पॉइंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपेबिलिटी इवैल्यूएशन में प्रोवाइड्स अ वे टू असेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन सिलेक्टिंग अ कॉन्ट्रैक्टर, इंडिकेट्स लाइकली कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस क्या है। बहुत सिंपल है ये, सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट वही सेम चल रहा है। कंटिन्यूस आपका जो आपके जो मेच्योरिटी प्रोसेस होगा वो क्या है, वो क्या बता रहा है, एवोल्यूशनरी इंप्रूवमेंट पाथ फॉर अ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एन एडॉक इमेच्योर प्रोसेस। एडॉक मतलब आपको वो टाइम पे जो लगा उसके हिसाब से आपने काम किया, उसको एडॉक प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, बराबर है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, टू अ मच्योर डिसिप्लिन लेवल 1। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में, आप अभी जो काम कर रहे हैं ना वो एडॉक लेवल पे, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे वर्क करना है, आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे SDLCs फॉलो करने हैं, आपके डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे। तो आप जो अभी प्रोसेस फॉलो करेंगे दैट इज एन एडॉक 1, जिसमें आपको आइडिया ही नहीं है, इनफ आइडिया है ही नहीं हम लोगों को, और वो आइडिया कभी बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हम लोग वो प्रोसेस के ऊपर और बेटर काम करते जाएंगे। ओके, सो ये पॉइंट है। उसके आगे क्या बोला है, गाइडेंस ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना टाइम है आपके पास, कौन से फंक्शंस आप कौन से मॉड्यूल में ऐड करेंगे, कभी जाके आपको स्टॉप करना है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है हम लोग कंटिन्यूस उस पर काम करते जाते और एट दी एंड ऐसा होगा कि आपको कभी लिमिट है क्या है वो पता नहीं है, और अननेसेसरीली कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल्स में आपके टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएंगे और जो कुछ काम की चीज़ें रहेंगे वो आपका छूट जाएगा। तो अगर वो काम की चीज़ अगर छूट जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा आपका ओवरऑल प्रोसेस को, आपके ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है सिस्टम का उसको भी, और आपका प्रोसेस कंप्लीशन टाइम जो है वो भी डिले हो जाएगा। ओके, मैच्योरिटी लेवल में क्या होगा, इनिशियल फेज रहेगा, इनिशियल फेज में हम लोग थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाएंगे, टेस्टिंग करते जाएंगे, ये सेम काम जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट करते रहो। उसके बाद आपको पता चला कि ओके ये स्टेप्स फॉलो करके हम लोगों को बेटर रिजल्ट मिल रहा है, तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि ओके कोई भी मॉड्यूल या यूनिट बनाएंगे तो उसके लिए ये स्पेसिफिक टेस्टिंग स्टेप्स और ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हम लोगों को कन्फर्म फॉलो करना ही है। और उसके बाद हम लोग एक मैनेजमेंट टीम रखेंगे जो चेक करते रहेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स कंपनी ने बनाया है या हम लोग के डेवलपमेंट टीम ने बनाया है वो सेम आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। और ये सेम प्रोसेस से हम लोग बेटर ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करेंगे अपना जो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसको, और उसी का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो आई होप आप अभी ये पढ़ सकते हो, ये बहुत सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। देखो इनिशियल बेसिक मैनेजमेंट कैसे चलेगा, वो सेम बेसिक मैनेजमेंट जो आपने फॉलो किया उसको रिपीट करते रहो। डिफाइन अ प्रोसेस मैनेजमेंट जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि हाँ ये वाले स्टेप्स या ये वाला SDLC और ये टाइप के स्पेसिफिक टेस्टिंग से हम लोग अपना काम और बेटर कर पा रहे हैं। उसके आगे ये सेम प्रोसेस को और ऑप्टिमाइज करते रहो कंप्लीट सॉफ्टवेयर के ऊपर, सो दैट वो सेम क्वालिटी थ्रू आउट मेंटेन रहे हर एक जगह पे। दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन हियर। ओके,
सो लेवल वन इनिशियल रिपीटेबल क्या हो गए क्या रहेंगे वो सारे यहाँ पे मेंशन किए। अब मैं वो वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। की प्रोसेस एरिया आपको क्या बता रहा है, की प्रोसेस एरिया इंडिकेट्स द एरिया दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एट लोअर मेच्योरिटी लेवल नीड टू फोकस। बराबर है, एग्जैक्टली कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस देना चाहिए, कहाँ पे आपका काम और बेटर चलेगा, वो जो फोकस एरियाज है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। सो की प्रोसेस एरिया प्रोवाइड्स अ वे फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रेजुअली इम्प्रूव इट्स क्वालिटी ऑफ ओवर सेवरल स्टेजेस। की प्रोसेस एरिया मतलब मुझे एग्जैक्टली पता है कि ओके मेनली जो पेमेंट सिस्टम्स है वहाँ पे एरर्स आते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी जहाँ पे है वहाँ पे मेन एरर्स आते हैं, है ना। तो ये हम लोगों को सर्टन स्पेसिफिक एरियाज पता है जिसके ऊपर हम लोगों को मेन ज़्यादा फोकस करना रहता है, तो वो पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे बात करें। तो की प्रोसेस एरिया फॉर ईच स्टेज हैज़ बीन केयरफुली डिजाइन सच दैट वन स्टेज एनहांसेस कैपेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी बिल्ट अप वन। तो ये क्या हो गया, ये आपने जो स्पाइरल मॉडल फॉलो किया ना, स्पाइरल मॉडल में फिर हम लोग मेंटेनेंस फेज जो बोलते हैं, ये आपका की प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, एनहांस करने का मतलब क्या हो गया, मेंटेनेंस काम चल रहा है जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को और बेटर बनाने की ट्राई करेंगे। अब रिपीटेबल मॉडल का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली हम लोग सेम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, सेम हम लोग शेड्यूल देखेंगे कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या मेंटेन होने चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके बेस के ऊपर फिर हम लोग को कौन से रिसोर्सेज कौन से टाइप के स्टाफ्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो, और उसके बेस के ऊपर हम लोग एक अपना एक सिस्टम कंट्रोल सिस्टम कंस्ट्रक्ट करेंगे और आपका आउटपुट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मेंशन होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको कोई डाउट्स होने चाहिए बिकॉज जो डायग्राम में दिया है वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको फिर भी अगर डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी फॉर दिस। ओके, रिपीटेबल मॉडल्स हम लोग के चलते रहेंगे हमेशा, कौन से पार्ट में, मेंटेनेंस, जब तक मेंटेनेंस चलते रहेगा तब तक ये सेम स्टेप्स जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहेंगे। बराबर है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या स्टेप्स बोल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी अश्योरेंस चलेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे काम चलेगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग चलेगा, प्रोजेक्ट को ट्रैक करते रहो, उसके साथ और कोई एक्सपर्ट है उसके साथ में हम लोग गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे वो प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, मेजरमेंट एंड एनालिसिस चलते रहेगा, वही है वही सेम स्टेप्स है। ओके, देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफाइंड प्रोसेस में हम लोग को क्या बोला है, ऊपर वाला जो डायग्राम था देखो रिपीटेबल वाला वही सेम डायग्राम आ गया। अब ये डिफाइंड प्रोसेस को आप रिपीट करोगे, क्या रिपीट करेंगे, रिक्वायरमेंट डिजाइन एंड स्टाफ जो रिक्वायर्ड है, बराबर है, और उसके साथ में फिर डिजाइन के बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डिफाइन करेंगे, और सिस्टम डिजाइन जो फाइनल बनेगा उसके बेस के ऊपर कोड एंड टेस्ट होगा। तो कोड टेस्ट में फिर क्या होगा, इंस्पेक्शन क्राइटेरिया चलेगा, वो इंस्पेक्शन के लिए अगेन हम लोग को यहाँ कोई ना कोई स्टाफ रिक्वायर्ड होगा वो आएगा, और उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, टेस्टेड मॉड्यूल्स को हम लोग इंटीग्रेटेड टेस्टिंग या सिस्टम टेस्टिंग पे लेके जाएंगे। आई होप हम लोग को पता है इंटीग्रेटेड या सिस्टम टेस्ट क्या होता है। इंटीग्रेटेड या सिस्टम टेस्ट का मतलब होता है एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना, और सारे आपके सिस्टम या सॉफ्टवेयर में जितने यूनिट्स है उसको सबको हम लोग कंबाइन लाते हैं तो उसको हम लोग सिस्टम टेस्ट बोलते हैं, और वो सिस्टम टेस्ट के बेस के ऊपर आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कैसा विजिबल है ना, और इसके बेस के ऊपर अगर कहीं पे कुछ मिसिंग है, टाइम ज़्यादा जा रहा है, आपको कम टाइम में करना है, तो वो टाइम पे फिर हम लोग यहाँ पे अगेन टेस्ट प्लान्स हम लोग के वो स्पेसिफिक वे में यहाँ पे बनाते जाएंगे। ओके, ये आपके पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग को क्या बोल रहा है, रिपीटेबल्स टू बी डिफाइंड, की प्रोसेस आपके कौन से रहेंगे, सेम है देखो यहाँ पे हम लोग का जो SDLC चलता है वही रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, बराबर है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन होगा, रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे हम लोग, ये सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने प्रीवियसली SPM में डिस्कस किए हैं, अलग अलग जो हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े ये पूरा उसका कॉम्बिनेशन है। ट्रेनिंग चलेगा, बराबर है, देन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस पे फोकस करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेसिफिक वी कैन से कि कोई एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है, तो वो सेम फ्रेमवर्क कितना और बेटर वे में हो सकता है उसके ऊपर फोकस होगा। डिसीजन एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन पे काम करेंगे एंड प्रोसेस डेफिनेशन चलेगा। तो वो सेम यहाँ पे देखो आपके पास वही सेम स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और जो भी हम लोगों ने ऊपर समझा उसमें यहाँ पे देखो आपको ये सेम चीज़ें मिलेंगे। ये वाला ऊपर वाला जो रिक्वायरमेंट डिजाइन एंड मेथड्स वाला जो पार्ट है ये तो हम लोगों का वो रिपीटेबल वाला है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोड टेस्ट, ये जो हम लोग का पार्ट है वो नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। एंड उसके बाद मैनेज में अगर आप देखेंगे तो मैनेज में क्या होगा, ये सारा काम जो है ये हम लोग मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे,
तो एज यू कैन सी मैनेजमेंट टीम जो है वो डायरेक्टिव देगा डिजाइन एंड डिफाइन के टाइम पे, और उसके बाद अगर कोई डिफेक्ट्स अगर मिलते हैं वो उसका सेम नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मैनेज के पास जाएगा। सेम वे कोड एंड टेस्ट के लिए भी जो मैनेजमेंट टीम है वो डायरेक्टिव्स देंगे, कोडिंग और टेस्टिंग के कुछ एरर्स है वो वापस मैनेजमेंट को पता चलेंगे कि हाँ यहाँ यहाँ पे कोई अभी भी एरर्स आ रहे हैं जिसको हम लोगों को सॉल्व या रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्टिव्स क्या दिए, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग के हम लोग डायरेक्टिव्स बताएंगे और वहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड सिस्टम टेस्टिंग के, और वहाँ पे भी अगर वापस अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स है कुछ चीज़ें अगर छूट रहे तो वो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे वापस। दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो वो सेम डायग्राम आप देखो थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। तो अगर आपको यही सेम स्पेसिफिक पॉइंट्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आप बहुत ईजिली आंसर कर सकते हो, क्योंकि वो सेम चीज़ों में हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, टोटली नया कुछ नहीं चल रहा है, सेम जो एग्जिस्टिंग चीज़ें उसी में हम लोग और चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। और ये सब अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे ना तो हम लोगों का जो SDLC वाला जो है वही सेम स्टेप्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, खाली बॉक्सेस के नाम अलग है। ओके, डिफाइन टू मैनेज KPIs, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट कैसे होगा, एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है जैसे सिस्टम पे लोड बढ़ते जाएगा तो आपको वो लोड को कैसे हैंडल करना है, वो लोड को हम लोग और कैसे बेटर वे में मैनेज कर पाएंगे, वो आएगा क्वांटिटेटिव वे में। और लास्ट में ये सबको आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि आपको कंट्रोल वे में डेवलपमेंट करना है। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा कंट्रोल डेवलपमेंट, न्यू कंट्रोल डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब एक एग्जिस्टिंग हम लोगों ने बॉर्डर डिफाइन किया क्योंकि यहाँ तक ये डेवलपमेंट्स होने चाहिए, यहाँ तक का ये हम लोगों का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है टेस्टिंग है वो यहाँ तक जाना चाहिए, डेवलपमेंट यहाँ तक जाना चाहिए, डिजाइनिंग यहाँ पे ही हम लोगों को स्टॉप करना है। तो वो आपका कंट्रोल डेवलपमेंट होगा जिसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं हम लोग। ओके, मैनेजिंग टू ऑप्टिमाइजेशन क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेट ऑन कैजुअल एनालिसिस एंड रिजोल्यूशन। बराबर है, कैजुअल एनालिसिस मतलब हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्शन करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट चलते रहेंगे कि हाँ उन्होंने प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट में और बेटर वे में काम किया था तो वो क्या था उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। देन कैपेबिलिटी मच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, इट इज़ अ सक्सेस ऑफ अ कैपेबिलिटी मच्योरिटी मॉडल, जहाँ पे फर्स्ट टाइम 1990 में यूज़ हुआ था वो US मिलिट्री के साइड पे और गवर्नमेंट ने यूज़ किया था। तो बेसिकली वो अपने प्रोसेसेस को और मैच्योर करने के लिए वहाँ पे यूज़ हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन मेनी अदर डोमेन्स एज वेल, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर में भी यूज़ होता है, जब आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तभी भी, और जब आप सॉफ्टवेयर को रीमॉडिफाई कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं तभी भी। तो इंजीनियरिंग मतलब रीमॉडिफाई करना या डेवलप करना, ये आ गया। सॉफ्टवेयर एक्विजिशन मतलब जब हम लोग कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चालू कर रहे हैं वो टाइम पे भी ये यूज़ होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल क्या बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो कितना हेल्पफुल है, कितने काम का है। डिफाइन अ प्रोसेस मे नॉट बी ईजी विद अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट माइट पॉसिबल, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे उसके साइड से आपका जो करंट प्रोसेस है वो शायद मैच नहीं कर रहा है, तो आपको एग्जिस्टिंग अपने जो सिस्टम्स है उसको भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बराबर है, देन हायर CMM मैच्योरिटी मॉडल्स जो है वो जितने हायर रहेंगे वो आपके मेंटेनेंस काम के साथ प्रॉपर चल रहेगा, बिकॉज मेंटेनेंस आपको कितना करना है, कितना लेवल तक मेंटेनेंस होना चाहिए, ये सब काम जो है वो डिफाइन किस पे करेंगे, मैच्योरिटी मॉडल पे। तो आप जितना अपने सिस्टम को ज़्यादा मैच्योर बनाने की ट्राई करेंगे उतना आपका मेंटेनेंस का एफर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। बराबर है, ये पॉइंट्स पे। देन नेक्स्ट हम लोग को क्या बोल रहे हैं, हम लोग के पास ISO 15504 प्रोसेस असेसमेंट है। असेसमेंट समझते हैं, कोई काम हो गया उसको हम लोग असेस कर रहे हैं। बराबर है, टू प्रोवाइड अ गाइडेंस ऑन असेसमेंट, मतलब आपको असेसमेंट प्रोसेस कैसे फॉलो करना है उसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है जो क्या बता रहा है, प्रोसेस रेफरेंस मॉडल नीड्स डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट रिप्रेजेंट गुड प्रैक्टिसेस टू बी अ बेंचमार्क, लाइक ISO 12207 इज डिफॉल्ट रेफरेंस मॉडल। बाय डिफॉल्ट ये सालों से चल रहा है लेकिन इसके ऊपर हम लोग इतना भरोसा नहीं कर सकते आज के टाइम पे। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायनेमिक प्रोजेक्ट जो फॉलो करते हैं, लाइक मोबाइल ऐप है, गेमिंग है, बैंकिंग सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स है, तो वो टाइम पे हम लोग ये वाले प्रोसेसेस पे आते हैं। क्या बता रहा है ISO 15504, सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग अगर कोई चीज़ अगर इनकम्प्लीट है तो सबसे पहले तो उसको रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लीट करो,
इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग का फोकस होगा। देन एक बार ये काम हो गया उसके बाद इनिशियल में हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस परफॉर्मेंस अचीव्स डिफाइंड आउटकम, ये देखना है। ये इनिशियल फेज में होगा कि आपने जो सोचा था, आपने जो क्लाइंट को प्रॉमिस किया था, वो सेम लेवल का क्वालिटी यहाँ पे अचीव हुआ है, ये आएगा। रिपीटेबल्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट इट इज प्लान्ड एंड मॉनिटर प्रॉपरली, ये देखेंगे हम लोग, बराबर है। देन उसके आगे वर्क प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल वे में आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। एक लिमिट से आगे आपको उसके ऊपर मेहनत नहीं करना है तो वहां पे जाके आप स्टॉप हो जाओ, बराबर है। ये सारे पॉइंट्स पे आपका फोकस होगा। देन 15504 क्या बता रहा है, हम लोग एक स्पेसिफिक SDLC प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, है ना। प्रोसेस डिप्लॉयमेंट प्रॉपर होगा, मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर चलेगा, प्रोसेस मेजरमेंट्स, प्रोसेस कंट्रोल कहाँ तक है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब कंट्रोल डेवलपमेंट जो है वहाँ पे हम लोग और इनोवेशन लाते जाएंगे, सो दैट और बेटर वे में हम लोग चीज़ों को कैसे बना सके उसके ऊपर हम लोग के फोकस रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सेम यहाँ पे चल रहा है। प्रोसेस रेफरेंस मॉडल अगर आप देखेंगे वो सेम वे में यहाँ पे काम कर रहा है। प्रोसेस रेफरेंस मॉडल क्या बता रहा है, अ डिफाइंड स्टैंडर्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट, वो आएगा। देन प्रोसेस रेफरेंस मॉडल मतलब कौन सा SDLC हम लोग फॉलो करेंगे, है ना, जिसको देख के हम लोग अपना काम आगे खत्म करते जाएंगे, तो वो आपका प्रोसेस रेफरेंस मॉडल होगा इन शॉर्ट। एक बेंचमार्किंग डिफाइन होगा, ISO 12207, ये आपका एक डिफॉल्ट मॉडल रहेगा जिसका रेफरेंस लेके हम लोग बाकी के जो एडवांस प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ओके। उसके आगे क्या बोला, ISO 15504 परफॉर्मेंस इंडिकेटर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल हाउ इंडिकेटर फॉर ईच लेवल माइट बी आइडेंटिफाइड, लाइक परफॉर्मेंस क्या बोला है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सपेक्टेड इनपुट वैल्यूज। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या बोला है, अ प्लान हाउ एक्सपेक्टेड इनपुट वेरिएबल रेंज आर टू बी ऑब्टेन्ड, ये नेक्स्ट बोला है, बराबर है, कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कैसे टाइप का इनपुट आएगा, वो इनपुट को हम लोग कैसे स्टोर करेंगे डेटाबेस में, देन प्रोसेस कैसे करेंगे, यह आएगा। वर्क प्रोडक्ट मैनेजमेंट में देर आर मिनट्स ऑफ मीटिंग वेयर इनपुट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वॉज रिव्यूड एंड करेक्शन वर मेड, तो आप देखो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अभी का जो पॉइंट्स है वो। प्रोसेस डेफिनेशन क्या होगा, रिटर्न प्रोसीजर्स रहेंगे इनपुट रिक्वायरमेंट के, है ना, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे आगे आगे अपने प्रोसेसेस के लिए। देन उसके आगे नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोसेस डिप्लॉयमेंट में अ कंट्रोल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट दैट साइंड एज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर इज कंप्लीटेड, सो ये प्रोसेस डिप्लॉयमेंट मतलब क्लाइंट साइड पे आपने दे दिया उसको। देन प्रोसेस मेजरमेंट मतलब कलेक्ट डेटा टू बी कलेक्टेड लाइक नंबर ऑफ चेंजेस, जो आपने रिव्यू में बोला है कि ओके ये चेंजेस रिक्वायर्ड है, ये चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो वो आपके यहाँ पे आएंगे। प्रोसेस कंट्रोल में क्या होगा, मैनेजमेंट एक्शन टेकन इन लाइट ऑफ दी अबो ऑल दी एक्शंस, डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस कहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड है ये सब, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सम काइंड ऑफ लेसन लर्न रिपोर्ट एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट होगा इनोवेशन। मतलब हम लोग प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट बनाया उसके एक्सपीरियंस से हम लोग नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें हम लोग और बेटर इम्प्रूवमेंट्स कैसे ला सकते हैं उसके ऊपर हम लोग का मेन फोकस होगा। सो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स असेसिंग फिजिबिलिटी ऑफ सजेस्टेड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स एंड विच शोज कंसल्टेशन विद रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। सो ऑप्टिमाइजेशन में क्या देखेंगे हम लोग, जो हम लोग के एग्जिस्टिंग वो प्रोजेक्ट यूज करने वाले जो लोग हैं उनका हेल्प लेंगे हम लोग, उनसे पूछेंगे कि उनका फीडबैक क्या है एग्जिस्टिंग जो हम लोग के एग्जिस्टिंग जो हम लोगों ने बनाया डेवलपमेंट्स किए हैं उसके ऊपर, ओके। टेक्निक्स टू इम्प्रूव क्वालिटी क्या बताया, व्हेन पीस ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड कॉपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कोवर्कर सो दैट उनको पता चलेगा, वो अपने रिव्यू सजेशन दे सकते हैं। जैसे आपका अगर प्रोजेक्ट हो गया तो आपके जो कोई अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे आप उनसे पूछेंगे ना कि भाई देखो मैंने ऐसा कुछ बनाया, आपको लगता है कहीं पर और चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल के सामने हम लोग प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जाए उसके पहले। टाइम इज स्पेंड इंडिविजुअली गोइंग थ्रू द वर्क नोटिंग डिफेक्ट्स, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके दिस आर द डिफेक्ट्स जो आपके क्लाइंट के लिए और बहुत ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस को हैम्पर कर सकता है, तो उसको हम लोग और बेटर वे में कैसे हैंडल कर सकते हैं वो होगा। मीटिंग इज हेल्ड वेयर द वर्क इज देन डिस्कस्ड, बराबर है, जहाँ पे हम लोग डिफेक्ट्स को क्या करेंगे, डिफेक्ट्स को सबसे पहले सेग्रीगेट करेंगे प्रायोरिटी लिस्ट पे, कौन सा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट है, मॉडरेट डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट है, और उसके बेस के ऊपर फिर आगे आगे हम लोग उसके ऊपर वर्क करते जाएंगे, ओके। इंस्पेक्शन एडवांटेजेस क्या रहेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, इफेक्टिव वे ऑफ रिमूविंग सुपरफिशियल एरर्स, जो बहुत बार क्लाइंट एंड पे जाके अगर वहाँ पे डिस्प्ले होंगे तो हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन का ही बहुत ज़्यादा नाम खराब हो सकता है,
मोटिवेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर टू प्रोड्यूस बेटर स्ट्रक्चर्ड एंड सेल्फ डिस्क्रिप्टिव कोड। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि हम लोग वहाँ पे कोडिंग जो बनाएंगे वो इतना ईजी रहेगा कि जिससे सामने वाले को पता चले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे कमेंट्स डाल के रखूँगा कि ओके ये वाला कोडिंग मैंने क्यों ऐड किया है, ये वाला कोडिंग मैंने क्यों ऐड किया है ना, ये वे में हम लोग काम करेंगे। स्प्रेड्स गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, ये आएगा। एनहांस टीम स्पिरिट्स, ये भी एक होगा। क्यों? बिकॉज सब साथ में काम कर रहे हैं तो सबके इनपुट्स है वहाँ पे, किसी एक के नाम पे ही सारे क्रेडिट्स नहीं जाएंगे। और आप जितना बेटर काम करेंगे उतना आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आई मीन आपका एग्जिस्टिंग जो करियर है उसके लिए भी वो बेटर होगा। आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे कोई बेटर काम के लिए, बेटर रिजल्ट जनरेट करने के लिए। आपने अपने सॉफ्टवेयर को क्लाइंट साइड पे फेलियर होने से बचा लिया, उसके लिए आपको अप्रिशिएशंस मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे, या फिर इंक्रीमेंट आई मीन प्रमोशन मिल सकता है, ये सब रहेगा। सो वो आपका इंस्पेक्शन के एडवांटेजेस रहेंगे। ओके, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या बोला है, स्पेसिफिकेशन टीम रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे यूज़र रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिक है कि नहीं है ना, वो देखेंगे। सो कौन से फंक्शंस रिक्वायर्ड है, एग्जैक्टली कौन से फंक्शंस रिक्वायर्ड है, कहाँ पे हम लोग को स्टॉप करना है, ये सारे पॉइंट रहेंगे। डेवलपमेंट टीम रहेगा विच डेवलप्स अ कोड बट डज नॉट टेस्ट इट, क्योंकि टेस्टिंग के लिए हम लोग के पास अलग से अलग अलग दूसरे डेवलपमेंट टेस्टिंग टीम्स रहेंगे। सो यूजेस मैथमेटिकल वेरिफिकेशन टेक्निक्स। डेवलपमेंट टीम क्या करेंगे, मैथमेटिकल मतलब अगर मैंने ये लूप अगर रन करना है वो इतने टाइम रन होना चाहिए, ये इनपुट दूंगा तो ऐसे बिहेव होना चाहिए, तो जो टेस्टर्स जो लेवल का टेस्टिंग करते हैं वो लेवल का टेस्टिंग डेवलपमेंट टीम नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कोई कोड अगर वो एक कोड अगर लिखता है तो उसके बाद वो वहाँ पे चेक ही नहीं करता है कि वो कोड प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, वो काम तो ऑफकोर्स वो ही करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोलने की ट्राई कर रहे हैं कि अगर एक डेवलपमेंट टीम है जो अपना कोड लिख रहे हैं लेकिन उसके बाद में उसको थरली टेस्ट करने के लिए हम लोग के पास अलग से टेस्टिंग टीम रहेगा जो 10,000 टाइप के अलग अलग इनपुट्स डालेंगे, ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल्स यूज़ करेंगे, जिससे अगर कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम में कहीं पे अगर कोई बैकडोर है, कोई लूपहोल है, वो भी उनको पता चल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन टीम। क्या बोला है, ये आपका जो है ना वो टेस्टेड कोड जो है उसके बेस के ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि क्या लेवल का आपने टेस्टिंग ऑलरेडी अप्लाई किया है, और वो लेवल का जो आपने टेस्टिंग अप्लाई किया उसके बेस के ऊपर आपको क्या लेवल का सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए, और ये सेम सर्टिफिकेशन आप अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे। सो उसको भरोसा होगा कि भाई आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो उसके काम का है, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा। ओके, फॉर्मल मेथड्स में हम लोग क्या बोले, यूज़ ऑफ मैथमेटिकल नोटेशंस। तो अब यहाँ पे ये बहुत सारे फॉर्मल मेथड्स है। अनएम्बिग्युइटी, अनएम्बिग्युअस स्पेसिफिकेशंस, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एम्बिग्युइटी या एम्बिग्युअस का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन है। क्लाइंट ने कुछ अलग बोला है, डिजाइनर कुछ अलग समझे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर्सन कुछ अलग समझे, और उसके बेस के ऊपर जो डिजाइनर्स डेवलपर्स है वो कुछ अलग काम कर रहे हैं, तो वो आपका कन्फ्यूजन हो गया। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट तो ये पॉइंट है। उसके आगे क्या बोला है, नेक्स्ट इज कैन प्रूव करेक्टनेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर मैथमेटिकली। लाइक आपको देखना है कि वहाँ पे अगर ऐसा कुछ अगर इनपुट डालते हैं हम लोग तो उसका आपके सिस्टम पे कैसा रिएक्शन होगा, है ना, ये पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। यूअर अप्रोच ऑफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेजेस टू ऐड डिटेल UML मॉडल। UML मॉडल्स का मतलब क्या होगा, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में UML मॉडल सीखे रहेंगे, वही सेम है। तो वो जो प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने किए थे ना उसी के पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एस्पिरेशन टू बी जनरेटेड एप्लीकेशन डायरेक्टली, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैनुअल जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस अप्लाई किए थे, तो उसके बेस के ऊपर आपका सिस्टम का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वालिटी प्लान ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कि ओके क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करके रखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स पे हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या टेस्टिंग्स किए थे, बराबर है, कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने फोकस किए थे, और वो जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने फोकस किए थे वो फोकस एरिया पे अगर कोई एरर आया तो उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, फ्यूचर में अगर सिमिलर टाइप का वापस एरर आया तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग का फोकस होगा। फॉर ईच सेपरेट प्रोजेक्ट द क्वालिटी नीड्स शुड बी असेस्ड। ओके, ये पॉइंट है। देन सिलेक्ट अ लेवल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस नीड फॉर अ प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंट इन अ क्वालिटी प्लान। सो ये बहुत सिंपल से पॉइंट्स है। टिपिकल कंटेंट ऑफ क्वालिटी प्लान क्या बताया यहाँ पे, स्कोप ऑफ प्लान क्या है, वो रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट जो बना रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या क्या काम रहेंगे वो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या टास्क है वो हम लोग बताएंगे, डॉक्यूमेंटेशन टू बी प्रोड्यूस जो यहाँ पे आएगा वो
देन स्टैंडर्ड्स जो हम लोग आईएसओ स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं वो, देन वो आईएसओ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपने प्रैक्टिसेस फॉलो किया है कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। रिव्यूज़ एंड ऑडिट्स ऑफकोर्स चलेंगे, रिव्यूज़ एंड ऑडिट्स में आपके एक्सपर्ट टीम रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे बेसिकली रिव्यूज़ सिस्टम रिव्यूज़ जनरेट करने के लिए। ओके, वो पॉइंट्स पे फोकस होगा। देन नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मोर टेस्टिंग शुड बी रिक्वायर्ड, बराबर है। प्रॉब्लम रिपोर्टिंग हमेशा होना चाहिए, किसको रिपोर्टिंग होगा, डेवलपर टीम को एंड मैनेजमेंट टीम को, जिसके बेस के ऊपर करेक्शन एक्शन जो है वो वहाँ पे लिया जाएगा। देन कौन से टूल्स टेक्निक्स हम लोग यूज़ करेंगे वो आएगा यहाँ पे, कोड मीडिया एंड सप्लायर कंट्रोल क्या है वो रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हम लोग के मेंटेनेंस में हम लोगों ने काम किए हैं, जो भी आपने अलग से जो टेस्टिंग वाले पार्ट किए वो, और उसके साथ में फिर हम लोग ने ये सब होने के बाद में फाइनल जो आपका सॉफ्टवेयर मिलेगा उसके लिए ट्रेनिंग हमेशा वहाँ पे चलते रहेगा, जिससे हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट होगा। रिस्क मैनेजमेंट मतलब अगर फ्यूचर में अगर ये सिमिलर टाइप के कोई अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट। ओके, एंड लास्ट जो आपका चैप्टर है वो यहाँ पे बहुत छोटा सा चैप्टर है, दैट इज़ प्रोजेक्ट क्लोज आउट। सो विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक, चलो 15 मिनट्स लेते हैं बिकॉज लास्ट हाफ एन आवर में हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा। सो नाउ इट इज़ 9:45, 10 o'clock को वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम लेट मी नो लास्ट वाला जो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें कुछ डाउट्स है आपको तो। सो अगर यूज अगर आते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइक अगर मैंने यहाँ पे रखा है क्वालिटी प्लान्स, तो क्वालिटी प्लान का मैं डेफिनेशन दूंगा और मैं वहाँ पे बताऊंगा कि दिस डेफिनेशन बिलोंग्स टू क्वालिटी प्लान, टेस्ट प्लान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे चार ऑप्शन दूंगा। तो आपका वो क्वालिटी प्लान वाला डेफिनेशन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सेम वे में देन फॉर्मल मेथड्स क्या होगा, तो फॉर्मल मेथड्स का फिर मैं यहाँ पे हम आपको क्या दिया है कि यूज़ ऑफ नोटेशन फर्स्ट पॉइंट है, तो मैं आपको वहाँ पे वो पॉइंट हाईलाइट करके दूंगा और नीचे फिर मैं ऑप्शंस दूंगा कि दिस स्पेसिफिक पॉइंट बिलोंग्स टू फॉर्मल मेथड, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी प्लान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे आपके MCQs रहेंगे। और वैसे भी आपको अगर पता रहेगा तो आपके जो अभी स्टूडेंट्स है आप देख लेना, जो SPM वाले स्टूडेंट्स रहेंगे KT वाले, जिनको SPM में KT रहा, उनको MCQs कैसे होते हैं आप उनके पास से एक बार ले लो। CR या कोई और अगर पहचानता है अपने सीनियर्स को जो SPM KT वाले, उनके पास से वो क्वेश्चन ले लेना, उनको क्वेश्चन बैंक मिला रहेगा SPM का, तो वैसे सिमिलर टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, डाउट है किसी को और? हेलो, एनी डाउट्स? हाँ सर समझा अभी। हाँ, तो आप क्वेश्चन बैंक देख लो अपने वो सीनियर्स के पास से ले लो। नाउ लास्ट जो चैप्टर है हम लोग का बहुत छोटा सा चैप्टर है, दैट इज प्रोजेक्ट क्लोज आउट। तो प्रोजेक्ट क्लोजिंग जो होता है वो बेसिकली कभी होगा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपको जो हम लोगों को सपोज आपको मार्क्स देने हैं 200 में से, तो आपने 200 मार्क्स जितना प्रोजेक्ट बना लिया है, ये पता कैसे चलेगा या पता कब चलेगा? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, एवरी प्रोजेक्ट मस्ट कम टू एन एंड एट सम और दी अदर टाइम, बराबर है। अब वो कभी कभी क्या होता है, वो कंप्लीट ख़त्म होने पे भी हम लोग बंद करते हैं, टाइम ख़त्म हो गया हम लोग के पास, बजट नहीं है उसकी वजह से भी ख़त्म करते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी वजह से भी प्रोजेक्ट क्लोज आउट हो सकता है। तो टेम्पररी क्लोजिंग भी हो सकता है, परमानेंट क्लोजिंग भी हो सकता है, तो अलग अलग टाइप के क्लोजिंग रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर टू डिसाइड अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अ प्रोजेक्ट क्लोज आउट, बराबर है, कब बंद होगा। एक्टिविटी क्या रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब वो कंटिन्यूसली मेंशन चेक करते रहेंगे कि ओके ये पॉइंट्स हम लोगों ने मेंशन किए, ये वाले स्टेप्स हम लोगों ने बोले, तो वहाँ तक आप गए हो क्या, है ना, कि वहाँ तक का आपने वर्क ख़त्म किया है अपने प्रोजेक्ट में, तो फिर हम लोग प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोग के टर्म्स रहेंगे कि ओके मिनिमम आप ये क्वालिटी का प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर जो है वो आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करने वाले, तो अगर वो क्वालिटी लेवल तक अगर आप पहुँचते हो तभी जाके हम लोग प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या बोले, इंक्रीजिंग क्रिटिकलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इज इंक्रीजिंगली बींग यूज इन अ सिस्टम दैट कैन थ्रेटन और सपोर्ट ह्यूमन लाइफ एंड वेलबींग। तो क्रिटिकलिटी जितना बढ़ेगा उतना प्रोजेक्ट क्लोजर जो है वो थोड़ा डिले होते जाएगा, क्यों, बिकॉज उसमें आपको और क्वालिटी फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी मेजर्स और थोड़े बेटर होते जाएंगे उसके, ये पॉइंट्स आएंगे। ओके, उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या बोले, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्लोजर्स कौन से रहेंगे, दो रहेंगे, एक नॉर्मल टर्मिनेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि सब कुछ खत्म हो गया प्रॉपरली बना के नॉर्मली क्लोज कर दो। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, एज नेम सजेस्ट, प्रीमेच्योर में क्या होगा, प्रोजेक्ट इज अनलाइकली टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव,
है ना, और उसके अलग अलग चांसेस हो सकते, उसके अलग अलग रीजंस हो सकते, तो वो टाइम पे भी हम लोग का प्रोजेक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। प्री मेच्योर टर्मिनेशन में क्या होगा, लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास डेवलपर नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, या आपके पास प्रॉपर प्लेस नहीं है जहाँ पे बैठ के आप डेवलप कर सको, या फिर चेंज बिजनेस नीड्स ऑफ अ कस्टमर, कि उसने अभी वो जो काम कर रहा है उसमें आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए उसने कस्टमर ने, कि अभी वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर उसको रिक्वायर्ड नहीं है, कोई दूसरे टाइप का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो वो टाइम पे आएगा। परसीव बेनिफिट्स अक्यूरिंग फ्रॉम अ प्रोजेक्ट टू नो लॉन्गर रिमेन अ वैलिड, बराबर है, वैलिड नहीं है, हम लोगों को और कोई दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ओके, चेंजेस टू अ रेगुलेटरी पॉलिसीज, ये आ सकता है। की टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ प्रोजेक्ट बिकमिंग ऑब्सोल्यूट ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मतलब पुराने हो गए, अभी हम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको और बेटर टेक्नोलॉजीज पे फोकस करने की ज़रूरत है, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। वाई प्रोजेक्ट नॉट प्रॉपरली क्लोज्ड, लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोजेक्ट टीम, फर्स्ट ये हो सकता है। अंडर एस्टिमेशन ऑफ हाउ फास्ट नो हाउ कैन गेट लॉस्ट एंड हाउ मच इम्प्लिसिट नॉलेज एग्जिस्ट विद टीम मेम्बर्स, ये हो सकता है कि आपने सोचा था कि वो कि इतना ही छोटा होगा, लेकिन वो बड़ा हो गया, अभी आपके बजट में टाइम में नहीं आ रहा है, या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उतना उसको डेवलप करने का, ऐसे कोई भी रीजंस हो सकते हैं। इमोशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप प्रोजेक्ट क्लोज प्रॉपरली बंद नहीं हो पाया, है ना, कि आपको प्रॉपर उसके लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, आपको प्रॉपर सैलरी उसके लिए नहीं मिला, पेमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या क्लाइंट का जो बिहेवियर जो है वो आपके सहयोग से प्रॉपर नहीं है, तो अभी कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाता है तो भी बंद कर देते हैं, तो ऐसी कोई भी रीजन्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर प्रोजेक्ट क्लोजर में टाइम एंड कॉस्ट ओवररन हो गया, है ना, एक्स्ट्रा टाइम आपका चले गया, जो आपका प्रोजेक्ट का बजट जो है वो अभी फिट नहीं बैठ रहा है, ये हो सकता है। प्रोजेक्ट एज अ कॉस्ट सेंटर रनस अप एक्सपेंडिचर, लुक्स अप वैल्यूएबल ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, ये देखो आप कि आपके पास नहीं है उतने अभी रिसोर्सेज, ये आएगा। स्ट्रेस ऑन प्रोजेक्ट पर्सनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट एक्सपैंड हो गया है, आपके टीम मेंबर्स जो है आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे, तो ये एक अगेन दूसरा एक रीज़न हो सकता है। इशू एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट टर्मिनेशन क्या बोला है, टू फोल्ड रहेगा, इमोशनल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है। सो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोजेक्ट क्लोजर प्रोसेस क्या रहेगा, क्लाइंट का एक्सेप्टेंस ले लो कि भाई यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं, यहाँ तक का आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया है ना, अचीव प्रोजेक्ट डिलीवरेबल जो भी है वो, रिजर्विंग प्रोजेक्ट नो एंड हाउ, कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या टेस्टिंग, क्या स्टेप्स फॉलो किए वो। फाइनेंशियल क्लोजर भी हम लोग बताएंगे कि अभी हम लोग क्लोज कर रहे हैं क्योंकि आपके साइड से जो बजट है वो अभी आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, उतने में हम लोग आगे के डेवलपमेंट्स नहीं कर पाएंगे, है ना। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट रिव्यूज रहेंगे उसके ऊपर हम लोग बाद में अगर रिक्वायर्ड है तो फोकस करेंगे। प्रिपेयरिंग पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू रिपोर्ट एंड रिलीजिंग स्टाफ फ्रॉम दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रिव्यू में क्या बोला है, कंडक्ट प्रोजेक्ट सर्वे, कि अभी आपने प्रोजेक्ट जो भी बनाया वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कितना बेटर चल रहा है नहीं चल रहा है वो आएंगे। कलेक्ट ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन वो देखेंगे। होल डीब्रीफिंग मीटिंग, क्योंकि हम लोगों ने ये टाइम पे चालू किया था, इतने पॉइंट्स या इतने मॉड्यूल्स हम लोगों को बनाने थे जिसमें से ये पार्ट हम लोगों ने सक्सेसफुली कम्प्लीट कर लिया है। प्रिपेयर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू रिपोर्ट, कि डिप्लॉय होने के बाद में क्लाइंट साइड पे वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा चल रहा है, उसके ऊपर फोकस होंगे हम लोगों के। एंड लास्ट होगा पब्लिश द रिपोर्ट, एंड लास्ट में प्रोजेक्ट सर्वे होगा, ये तो नाम पे से पता चल रहा है, एंड प्रोजेक्ट क्लोज आउट रिपोर्ट। सो हियर वी आर एंड वी आर डन विद आर सिलेबस, यहाँ पे ख़त्म होता है। और आज के दिन अभी मैं जो यूनिवर्सिटी का पेपर है वो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये लास्ट वाला चैप्टर एकदम छोटा सा है, तो वो अगर आप देखेंगे तो आप दो तीन बार भी अगर इसको खाली पढ़ लिया तो एग्ज़ाम तक आप इजीली याद रख सकते हैं इसको। सो आप देख लो, अब इसमें अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। मैं आज के लिए तो आपको अभी कुछ नए टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, हम लोग यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स है वो कल के लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, तो कल का कम्प्लीट लेक्चर जो है वो हम लोग यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स है, पेपर सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कस करेंगे वो हम लोगों का, उसके बाद अगर रिक्वायर्ड है तो और एक लेक्चर लेंगे, अदरवाइज़ वो हम लोगों का फिर कल का लास्ट लेक्चर रहेगा। एंड उसके साथ में अगर आपको और कोई व्हाट वी से कि और कोई अगर डाउट्स या कुछ है तो आप बोलो, तो हम लोग थोड़े टाइम के बाद में एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी रख सकते हैं, जो मैं सीआर को आप बोल दो जो स्टूडेंट्स हैं, तो मैम से कोऑर्डिनेट करके मुझे पता चल जाएगा, तो वो स्पेसिफिक टाइम पे जैसे आप सबको फिजिबल होगा उसके हिसाब से हम लोग एक डाउट सॉल्विंग सेशन रख सकते हैं।
ओके वो तुरंत तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स एग्जाम के टाइम पे ही होगा, और आपको भी डाउट्स तभी आएंगे। अभी तक तो किसी ने पढ़ना चालू नहीं किया, सिलेबस खत्म हो गया, फिर भी आई डोंट थिंक कि एक दो यूनिट्स भी पढ़े रहेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे, आई नो, भरोसा है आप लोगों पर। सो आज के लिए तो यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। अभी आपको वो डाउट्स है तो पूछो, आप देख लो एक बार जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया है वो।